गार्डियन हॉस्पिटल और जेंडर ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन हमने एक आज एक नी सिंपोजियम ऑर्गेनाइज कराया है रिजेंट पार्क में, जिसमें कि हमने नी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि स्पोर्ट्स इंजरीज हैं या अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम, या हमने ऐसे भी टॉपिक्स रखे हैं जिनमें हम नी बचाने के कैसे कैसे साधन हैं उसके लिए, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। और इसमें हमारे पास जो स्पीकर्स हैं वो हमारे पास PGI चंडीगढ़, दिल्ली से, DMC CMC लुधियाना से, अमृतसर से, और रीजन के जो भी अच्छे स्पीकर्स हैं उनको हमने इनवाइट किया है। देखिए घुटने बदलने नहीं चाहिए, हमारी ये इच्छा है कि जब तक पेशेंट अपने घुटना चला सके चले। इसीलिए हमने कहा है कि ये कॉन्फ्रेंस भी इसीलिए है कि कुछ चीज़ें हमने बताई कि अपने नीज को, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है शुरू से उसको ध्यान दें ताकि आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत ना पड़े। हम शुरू से अपना नीज का ध्यान रखें तो हार्डली 2-5% लोगों को नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ सकती है। गलत है मेरे हिसाब से, अगर अपने घुटने चल सकते हैं जब तक चल सकते हैं चला जाने चाहिए, कि आर्टिफिशियल जॉइंट आर्टिफिशियल है, उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन है, अपने साइड इफेक्ट हैं, और अपना घुटना अपना ही है, तो अगर हम उसको शुरू में ही बचाना शुरू कर दें तो जरूरत हो सकता है जरूरत ही ना पड़े। कभी भी आपके जॉइंट में आपको दर्द है, आपको लग रहा है आपका घुटना जैसे हम कहते हैं एक क्रच क्रच कर रहा है, कोई नी में मूवमेंट आ रही है उसमें लग रहा है आपको दर्द हो रहा है, या घुटना आपका बेंड हो रहा है, टेढ़ा हो रहा है, या आपको चलते चलते लॉकिंग हो रही है, चलते लग रहा है कुछ चीज़ आपको बीच में रगड़ खा रही है, तो ये सब चीज़ें हैं, तब आपको अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना चाहिए। और अगर इनिशियली ट्रीटमेंट हो जाए इन सब चीज़ों का तो नी रिप्लेसमेंट तो जरूरत ही नहीं पड़ती है। ऑस्टियोपोरोसिस जिसको हड्डियों की वीकनेस कहते हैं, दूसरी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो जोड़ों का खसना है जो कि उम्र के साथ होती है, पर जैसा मैंने पहले कहा अगर हम इसको ट्रीटमेंट टाइम पे ले लें, टाइम पे इसका ट्रीटमेंट करें, तो ये जो लास्ट स्टेज की सर्जरीज हैं जिसको हम कहते हैं नी रिप्लेसमेंट कहते हैं या नी के अलाइनमेंट ठीक करना कहते हैं, वो सब चीज़ें हम इसको रोक सकते हैं। अपनी डाइट का ध्यान रखें, वेट को बढ़ना ना दें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाएं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।